साल ही मांगते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता पर्टिकुलर कि माता से या गणपति बप्पा से मांगा जाए, लेकिन हाँ ख़ास पर्व ज़रूर होता है और जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो आज के दिन ज़्यादा लंबी भी हो जाती है और पूरी भी जल्दी होती है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है और डांडिया और सरस्वती पूजा एक साथ ब्लेंड होते हैं तो उसका अपना ही अलग मज़ा है, तो इसके लिए भी ज़्यादा खुशी होती है बॉम्बे में सरस्वती पूजा मनाने में, सॉरी दुर्गा पूजा मनाने में। आई गेस दुर्गा पूजा नवरात्रि के टाइम पर आती है, कोलकाता में उसका अपना महत्व होता है, उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं और लोग। वो तो दशहरा जैसे जिस मीनिंग से मनाते हैं उसी मीनिंग से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस दे गए मिक्सअप परफॉर्मेंसेस है। वैसे दुर्गा पूजा के वक्त ज़्यादातर मन भजन की तरफ रुझान रखता है, लेकिन क्योंकि ऑडियंस की जो भी डिमांड होती है वो फुलफिल करना आर्टिस्ट का धर्म होता है, तो मैं उनकी पसंद के भी गाने गाऊंगी, लेकिन मेरा खुद की पसंद है कि मैं भजन गाऊं तो मैं भजन भी गाने वाली हूँ। ज़रूर, इट्स लाइक आज तेरा जगराता मैया दर्शन अपना दिखाना कि माँ घर आना आना आना, लाल रंग की चुंदड़ी ओढ़ के अपनी कृपा बरसाना कि माँ घर आना। ओ आज तेरा जगराता मैया दर्शन अपना दिखाना कि माँ घर आना। मैं स्कूल में जब तक थी तब तक रखा मैंने, जब से बॉम्बे आई हूँ तब से मेरे व्रत छूट गए हैं, बहुत बहुत 9 दिन। हाँ हाँ जागरण के वक्त तभी रखते थे जब स्कूल डेज में थी मैं, 95, 96, 98 तक हमने रखे हैं नवरात्रि के 9 दिन के व्रत। मैंने एक बार सिर्फ लिक्विड से रखा था, मुझे याद है अच्छे से, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी है, पता चला डबिंग में गए और बेहोश हो गए, कोशिश की लेकिन हुआ नहीं इसलिए छोड़ दिया, बट काफ़ी आनंद आता है।